हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप एक स्मॉल इन्वेस्टर है तो आपके माइंड में हमेशा से बात आती होगी कि कौन सा ऐसा कॉइन है जो हमें कम प्राइस में मिल जाए और उससे कुछ ही समय में हम अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर ले। तो आज के समय में मार्केट में दो कॉइन जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, मतलब अगर हम देखें दोस्तों तो बहुत सारे और भी कॉइन हैं, लेकिन अगर हम मीम कॉइन्स की बात करें तो जिनका नाम हर किसी की जुबान पर आज के समय में आ रहा है वो है लवली इनू और उसके साथ ही है शिबा इनू। इन दोनों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन में से $1 को पहले क्रॉस कर सकता है। दोनों का रोडमैप आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको शिबा इनू और क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं शिबा इनू की, तो आप देख सकते हैं अगर अभी की बात करें तो 0.0061 पर यह ट्रेड कर रहा है इंडियन रुपीज में और 24 घंटे में लगभग 0.34% ऊपर की ओर आ चुका है। अगर हम वॉच लिस्ट की बात करें तो लगभग 10 लाख से ज्यादा लोगों की वॉच लिस्ट में शिबा इनू बना हुआ है। मार्केट रैंक 42 है और यहां पर अगर हम देखें आपके पास 100 रुपए हैं तो अभी आप लगभग यहां से 1,62,000 कॉइन खरीद सकते हैं। ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो वो लगभग 20% डाउन में चल रहा है। अब दोस्तों, अगर हम शिबा इनू की बात करें तो ये एक मीम टोकन है, मतलब ये कंपटीशन में आया था डॉज कॉइन के, डॉज कॉइन किलर इसका नाम था, लेकिन अब ये नाम थोड़ा हट चुका है, थोड़ा दूर हो चुका है इनकी वेबसाइट से भी और अब ये मार्केट में अपनी खुद की पहचान बना चुका है। अगर हम होल्डर्स की बात करें तो लगभग 6.5 लाख से ज्यादा होल्डर्स होने वाले हैं, कुछ ही समय में 6.5 लाख होल्डर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो ये आपको वजीरेक्स पर मिल जाएगा, बाइनेंस पर मिल जाएगा और भी ऐसे एक्सचेंजेस है जहां पर शिबा इनू अवेलेबल है। मतलब यहां पर अगर हम लिस्टिंग्स की बात करें तो लिस्टिंग्स होती रहती है। यहां पर वीबुल के द्वारा भी अनाउंसमेंट हुई है कि वो बहुत जल्द शिबा इनू को लिस्ट करेंगे। अगर हम इसके हाईएस्ट प्राइस की बात करें तो वो गया था 0.0028 जो गया था 3 महीने पहले और उससे अभी ये 79% कम है। दोस्तों, जहां तक हम शिबा इनू से जुड़े प्रोजेक्ट की बात करें तो इनका प्रोजेक्ट यही कहता है कि आने वाले समय में ये बर्निंग भी करेंगे। इनका प्लस पॉइंट ये है दोस्तों कि इनका खुद का स्वैप है, मतलब बहुत कम ही ऐसे कॉइन होते हैं जिनका स्वैप आता है। अगर हम डॉज कॉइन की बात करें तो उसका कोई स्वैप नहीं है, लवली इनू का भी कोई स्वैप नहीं है, शिबा का सुबह स्वैप भी आ चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी खुद की ब्लॉकचेन भी आएगी और आने वाले समय में आपको ये और एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम देखें दोस्तों कि $1 पर शिबा इनू कब पहुंच सकता है तो उसके लिए आपको काफी इंतजार करना पड़ सकता है, मतलब कुछ समय लगेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि 1 महीने में या 1 साल में ये कॉइन $1 तक पहुंच जाए और इनका ऐसा कोई एम भी नहीं है। जहां तक बर्निंग की बात है दोस्तों, तो इन्होंने बर्निंग के बारे में भी कह दिया है कि ये बर्निंग भी करेंगे आने वाले समय में। कब करेंगे दोस्तों, वो तो आने वाले समय में क्लियर होगा, लेकिन बर्निंग जरूर होगी। तो दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म का एक प्रोजेक्ट है जिसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा, तब जाकर इसका प्राइस आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं तो ये कॉइन आपके लिए नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी इसका प्राइस पंप नहीं होने वाला। मीम टोकन जरूर है दोस्तों, लेकिन टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन है, तो कुछ पैसा आपको इसमें जरूर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों लवली इनू कॉइन। दोस्तों, इस कॉइन ने कम ही समय में पूरे मार्केट में आग लगा दी है, मतलब जितने भी शिबा इनू होल्डर्स है उसमें से भी बहुत सारे ऐसे होल्डर्स है जो लवली इनू की तरफ मुड़ रहे हैं, यहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आप यहां पर देख सकते हैं अभी की अगर हम बात करें तो 24 घंटे में लगभग 130% प्राइस इंक्रीज हुआ है। कुछ देर पहले एक वीडियो मैंने बनाया था, लगभग वहां पर 70% प्राइस बढ़ा था, अभी 130 बढ़ गया है क्योंकि कल के दिन में इनकी बर्निंग हुई है, बर्निंग के बाद इसका प्राइस अच्छा खासा पंप होता है। दोस्तों, अगर शिबा इनू की भी ऐसी बर्निंग होने लग जाए तो आप देखेंगे शिबा इनू के प्राइस में भी पंप होता हुआ आपको दिखाई देगा। बर्निंग का मतलब होता है दोस्तों कि जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है उसमें से कुछ कॉइन को डेड एड्रेस पर भेज दिया जाता है, जहां से फिर वो कभी वापस में नहीं आते, मतलब सर्कुलेशन में नहीं आते हैं। सर्कुलेशन से वो जो कॉइन होते हैं वो हट जाते हैं, जिस वजह से डिमांड जो है वो बढ़ जाती है, सप्लाई जो होता है वो कम हो जाता है और इसी वजह से प्राइस जो है वो पंप होने लग जाता है। आप अगर अभी देखें तो $0.000065 पर ये ट्रेड कर रहा है, मतलब आप यहां पर $5 या $10 भी अभी लगाते हैं तो काफी कॉइन आपको यहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों, जब ये लॉन्च हुआ था उसके बाद से तो लगभग ये 700% बढ़ चुका है, मतलब उस समय अगर आपने आपका पैसा लगाया होता तो आज कई गुना आपका पैसा हो जाता, मतलब इस कॉइन से आप कई गुना प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, अगर हम लवली इनू की बात करें तो ये भी एक मीम टोकन ही है और इनका जो एम है वो काफी क्लियर है कि इसे $1 तक पहुंचाना चाहते हैं इन द एंड ऑफ 2021, मतलब दिसंबर तक, मतलब अगर देखें तो 3 महीने की बात है, 3 महीने में ये $1 तक पहुंच सकता है। इसीलिए क्योंकि शिबा इनू ने कभी ऐसा नहीं कहा है, उनकी जो टीम है, उनके जो डेवलपर्स है, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि इतनी जल्दी ये $1 जाएगा, लेकिन इनकी टीम का यही कहना है कि इसको हमको $1 तक पहुंचाना है और आने वाले समय में ये और आगे की ओर भी जाएगा। जहां तक हम बात करें दोस्तों क्या ये स्कैम है, तो बिल्कुल भी ये स्कैम नहीं है क्योंकि ये बहुत सारे एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है और ये खुद भी एक डिसेंट्रलाइज टोकन है दोस्तों, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए सोचते हैं तो काफी एंट्री पॉइंट है और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो आप कभी भी यहां पर एंट्री ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए आप देख रहे हैं दोस्तों तो जब बर्निंग होती है उससे पहले आप इस कॉइन में एंट्री ले सकते हैं, उसके बाद बर्निंग के बाद आप इसे सेल कर सकते हैं। वैसे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़े तो ज्यादा बेटर होगा,
होगा। अगर हम इसकी सप्लाई की बात करें दोस्तों, तो 99.99% सप्लाई इन्होंने बर्न कर दिया है। उसके बाद जो 100 ट्रिलियन बचा हुआ है उसमें से भी ये 40 ट्रिलियन बर्न कर देंगे, मतलब सिर्फ 6 ट्रिलियन कॉइन इनके बचेंगे। और आप देख सकते हैं कैसे ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसे बाय करना है तो हॉटबीट से कर सकते हैं, ला टोकन से कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ और एक्सचेंजेस है जिन पर ये आ चुका है, पैनकेक स्वैप से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। तो अगर हम देखें दोस्तों कि कौन पहले $1 को जाएगा, तो देखकर तो ऐसा ही लगता है कि लवली इनू कॉइन अच्छा खासा ऊपर की ओर जा सकता है। शिबा से कंपैरिजन करें तो शिबा से पहले जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि दोनों में लवली इनू ज्यादा बेटर है, दोनों कॉइन अच्छे हैं अपने अपने हिसाब से। क्योंकि अगर आप देखें तो शिबा इनू इतनी जल्दी अभी पंप नहीं होगा, इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जब वो पंप होने लगेगा तो आप देखेंगे उसका प्राइस भी आपको अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा। और लवली इनू की बात है दोस्तों, तो लवली इनू को आपको अपने पोर्टफोलियो में आज के समय में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप कम समय में अच्छा खासा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये कॉइन आपको बनाकर दे रहा है। मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखा जाए तो ये बनाकर देने लग गया है, और शिबा इनू बनाकर देगा आने वाले समय में, जैसा कि हम सोच सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि उनकी जो डेवलपर्स की टीम है वो काफी स्ट्रांग है। और एक तरीके से कहें तो शिबा इनू बहुत ज्यादा पॉपुलर है पूरी दुनिया में। और अगर हम लवली इनू की बात करें दोस्तों, तो अभी तक इसके लगभग 10,000 होल्डर्स कंप्लीट होने वाले हैं, मतलब धीरे धीरे ये टीम भी स्ट्रांग होती जा रही है। और आने वाले समय में आप देखेंगे दोस्तों लवली इनू भी ऊपर की ओर जाएगा। तो दोनों कॉइन आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, दोनों का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि आपको और हमको दोनों को पैसा कमाना है, दोनों को प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट कमाने के हिसाब से दोनों कॉइन बेटर है। शिबा इनू में आप एंट्री लेने से पहले सोच सकते हैं कि वहां पर थोड़ा डाउन में जाए तब एंट्री ले, और यहां पर लवली इनू में भी आप एंट्री लेने से पहले थोड़ा सा सोचे कि कब ये डाउन में जाएगा। बर्निंग से पहले आप देखेंगे ये थोड़ा डाउन होगा, बर्निंग के बाद इसका प्राइस पंप होगा। अगर आप पहले ही यहां पर आ जाते दोस्तों, तो आज के समय में आप अच्छा खासा प्रॉफिट यहां से अर्न कर लेते। तो दोस्तों और कोई भी अपडेट निकल कर आती है क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी हुई तो हम आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों हॉटबीट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे वहां से डाउनलोड करके लवली इनू कॉइन को वहां से बाय कर सकते हैं।